नहीं आप लोकामम रणरंग वीरम राजीव नेत्रम रघुवंश नाथम कारुण्य रूपम करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये मनोजवम्मारुततुल्यवेगम कृषीन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं पातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र की जय। वनसुत हनुमान की जय। अमिताभ जी अब आप शुरू करें अपना पाठ। जी ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्याकांड। यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवापगामस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलं यस्योरसि व्यालरा सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनिभ श्री शंकर पातु मां। प्रसन्नतां या न गताभिषेकतस्तथा न मम देवनवासदुःखतः मुखाम्बुज श्रीरघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुल्मङ्गलप्रदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंश नाथम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारी। जब ते राम ब्याहि घरे आए इतनब मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ वर्षहि सुख बारी त्रिधि सिधि संपति नदी सुहाई उमगी अवधि अम्बुधि कहुँ आई मणिगणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भाति कहीं न जाई कछु नगर विभूति जनु इतनी अभिरंचि कर तूति सब विधि सब पुर लोग सुखारी राम चंद मुख चंदु निहारी मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलोकी मनोरथ बेली राम रूप गुण सील सुभाव प्रमुदित होई देखी सुनी राव सबके उरी अभिलाष वस कहीं मनाई महेशु आप अचत जुग राज पद राम ही देव नरेशु। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी एक समय सब सहित समाजा राजसभा रघुराज बिराजा सकल सुकृत मूरति नर नाहु राम सुजस सुनि अति उछाहु कृप सब रहहि कृपा अभिलाखे लोकप करहि प्रीति रूप राखे त्रिभुवन तीन काल जग माही पूरी भाग दशरथ सम नाही मंगल मूल राम सुत जासु जो कछु कहिए थोर सब तासु राय सुभाए मुकुर कर लीना बदन बिलो की मुकुट समकीना शवन समीप भय सित केसा मनहु जरठ पनु वस उपदेसा रिप जुब राजु राम कहु देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु यह विचारु रियानी
कृप सुदिन सुअव सरु पाए, प्रेम पुलकित न मुदित मन गुरहि सुनाय उजाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, कहै भुवाल सुनिय मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लाय, सेवक सचिव सकल पुर वासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। सब ही राम प्रिय जहि विधि मोही, प्रभु असीस जनु तनु धरि सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छो सब रोरि नाही, जे गुर चरण रेनु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि, मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे, सब पायउ रज पावन पूजे। अब अभिलाकु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहउ नरेश रजाय सुदेव। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महिप मनि, मन अभिलाष तुम्हार। मंगल भवन अमंगल हारि, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले उराव रहसि मृदु बानी, नाथ राम करि अहिज बुराजु, कहिए कृपा करि करिए समाजु, मोहि अछत यहु होइ उठाहु, लाहि लोग सब लोचन लाहु, प्रभु प्रसाद शिव सबै निवाहि, यह लालसा एक मन माहि, उनि न सोच तनु रहौ कि जाओ, जहि न होइ पाछे पछिताओ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाय, मंगल मोद मूल मन भाय, सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि, भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, बेगी विलंब न करिय नृप, साजिय सब समाजु, सुदिन सुमंगल तब ही तब, राम हो ही जुबराजु। मंगल भवन अमंगल हारि, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाय, भूप सुमंगल बचन सुनाय, जो पाचहि मत लागे नीका, करहु हरषि राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरौ परे उजन पानी, विनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति बरिस करोरी। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगी नाथ न लाई बारा, रिपहि बोध सुनी सचिव सुभाखा, भरत बाल जनु लही सुसाखा, कहउ भूप मुनि राज कर, जोई जोई आय सुहोई, राम राज अभिषेक हित, बेगी करउ सोई सोई। मंगल भवन अमंगल हारि, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारि, हर्षि मुनीस कहे उनु दीवान, आनहु सकल सुतीरथ पानी, औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना, चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति, मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका, वेद विदित कहि सकल विधाना, कहे रचहु पुर विविध बिताना, सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा, रचहु मंजु मनि चौके चारु, कहु बनावन बेगी बजार, पूजहु गणपति गुरु कुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा, भज पताक तोरण कल से, सजहु तुरग रथ नाग, सिर धरि मुनिवर बचन सबु, निज निज काज ही लाग। मंगल भवन अमंगल हारि, उमा सहित जही जपत पुरारि, जो मुनीस जही आय सुदीना, सोते ही काजु प्रथम जन कीना, विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा, सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा, राम सीय तन सगुन जनाय, भर कही मंगल अंग सुहाय, पुलक सप्रेम परस पर कहन, भरत आगम सूचक अहन, भय बहुत दिन अति अवसे, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी, भरत सरिस प्रिय को जग माहि, यही सगुन फल दूसर नाहि, राम ही बंधु सोच दिन राति, अंड ही कमट हृदय जहि भाति, यही अवसर मंगल परम, सुनि रहसे उर निवासु, सोभत लखि विधु बढ़त जनु,
बारिधि बीच बिलासु मंगल भवन अमंगल हारि रवहु सदसरथ अजिर बिहारी। प्रथम जाय जिन वचन सुनाए भूषण बसन पूरी तिन पाए प्रेम पुलकितन मन अनुरागी मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी मनिमय विविध भाति अति रूरी आनंद मगन राम महकारी दिए दान बहु विप्रहकारी। पूजी ग्राम देवी सुरनाद कहु बहोरी देन बलि भागा जेहि विधि होई राम कल्याण देहु दया करि सो वरदान। गावहि मंगल कोकिल बैन विधु बदनी मृग सावक नैन राम राज अभिषेक सुनी हर्षे नर नारी लगे सुमंगल सजल सब विधि अनुकूल विचारी। मंगल भवन अमंगल हार रब सुध सिरथ अजिर बिहार। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए राम धाम सिख देन पठाए गुरु आगमन सुनत रघुनाथा द्वार आए पद नायो माथा। सादर अरग देई घर आने सोरह भांति पूज सन्मान गए चरण सिय सहित बहोरी बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु तदपि उचित जनु बोली सप्रीति पठिये काज नाथ अस नीति। प्रभुता तजि प्रभु कीन सनेव भयो पुनीत आज यह गेव आय सु होई सो करउ गोसाई सेवक लहै स्वामी सेवकाय। सुनि सनेह साने बचन मुनि रघुबर ही प्रसंस राम कसन तुम कहौ असे हंस बंस अब तंस। मंगल भवन अमंगल हारि रवहु सदसरथ अजिर बिहारि बरनि राम गुण सील सुभाव बोले प्रेम पुलकि मुनि राव। धूप सजेउ अभिषेक समाज चाहत देन तुम्हें जुगराज राम करहु सब संजम आजु जो विधि कुशल निभा है काजु। गुरु सिख दे राय पहि गयो राम हृदय अस बिस्मउ भयो जन्मे एक संग सब भाई भोजन सैन के लरिकाय। करण बेधूप बीत बियाह संग संग सब भय उछाह। बिमल बंस यह अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़ ही अभिषेक प्रभु सब प्रेम पछतानी सुहाय। हरौ भगत मन के कुटिलाय तही अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन्माने प्रिय बचन कही रघुकुल कैरव चंद। मंगल भवन अमंगल हारि रवहु सदसरथ अजिर बिहारि बाजहि बाजन विविध विधाना पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमनु सकल मनावै आवहु बेग नयन फल पावै हाट बाट घर गली अथाय कहि परस पर लोग लुगाय। काली लगन भेली कितिक बारा पूजि विधि अभिलाषु हमारा कनक सिंहासन सीय समेता बैठ ही राम होई चित चेता। सकल कहि कब होई काली विघन मनावहि देव कुचाल तिनहि सुहाई न वध बधावा चोरहि चंदी जाति न भावा। सारद बोली बिनय सुर करही बार ही बार पाए लय परही। विपति हमारी बिलोक बड़ी मातु करिय सोई आजु राम जाहि बन राज तजी होई सकल सुर काजु। मंगल भवन अमंगल हारि रवहु सुदशरथ अजिर बिहारि सुनि सुर बिनय ठाढ़ि पछितानि भयउ सरोज बिपिनहि मराति। देखि देव पुनि कहहि निहोरि मातु तोहि नहि थोरि उठोरि। विस्मय हर्ष रहित रघुराव तुम जानहु सब राम प्रभाव। जीव करम बस सुख दुख भारी जाइय अवध देव हित लागी। बार बार गही चरण सकोची चली बिचारी विबुध मति पोची। ऊंच निवास नीच कर तूती देखि न सकहि पराई विभूति। आगिल काज बिचारी बहोरी करिहि चाह कुशल कवि मोरी। हर्ष हृदय दशरथ पुरी आई जनुग्रह दशा कुसह दुखदाय। नाम मंथरा मंद मती चेरी कै कई केरी अजस पिटारी ताही करी कई गिरा मति फेरी। मंगल भवन अमंगल हारि रवहु सुदशरथ अजिर बिहारि दीख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा।
पूछे सी लोगन काह उछाहु राम तिलक सुनि भाव हृदाहु करई विचारु कु बुद्धि कु जाति होई अकाजु कवन विधि राति देखि लागि मधु कुटिल की राति जिमि गव तकई लेउ केहि भाति भरत मातु कहि गई बिलखानी का अनमनि हसी कह हसी रानी उतरु दे न ले सासु नारी चरित करि धारई आसु हसी कह रानी गालु बड़ तोरे दीन लखन सिखि अस मन मोरे तबहु न बोल चेरी बड़ी पापनी छाड़े स्वास कारी जनु सापिनी सभे रानी कह कह सिकिने कुशल राम मही पालू लखन भरत रिपु दमनु सुनी भाकु बरी और सालू मंगल भवन अमंगल हारी रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी कत सिख दे हमहि को माई गालु करब केहि कर बलु पाई राम ही छाड़ी कुशल केहि आजु जहि जने सुदे चुभ राजु भयउ कौसिलहि विधि अति दाहिन देखत गर्भ रहत उर नाहिन देखहु कस न जाई सब शोभा जो अब लोकि मोर मनु छोभा पूतु विदेश न सोचु कुमार जानती हहु बस नाहु हमारे नींद बहुत प्रिय सेज तुराई लखहु न भूप कपट चतुराई सुनि प्रिय बचन मलिन मनु जानी छुकी रानी कब रहु अरगानी उनी अस कबहु कहसी घर खोरी तब धरि जीभ कढ़ावहु तोरी काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी दिया बिसेखि पुनि चेरी कही भरत मातु मुस्कानी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी प्रिय बादिनी सिख दीनी तोही सपने हु को पर को नमोही सुदिन सुमंगल दायक सोई तोर कहा पुर जही दिन होई जेठ स्वामी सेवक लख भाई यह दिन कर कुल रीति सुहाई राम तिलक जो साचे काली देव मागु मन भावते आली कौसल्या सम सब महतारी राम ही सहज सुभाए प्यारी मो पर करहि स्नेहु बिसेखि मैं करि प्रीति परीक्षा देखि जो विधि जनम देई करि छोहु हो राम सिय पूत पुतोहु प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे तिनके तिलक छोभु कस तोरे भरत सपथ तोहि सत्य कहू परिहरि कपट दुराऊ हरष समय बिस्मऊ करसी कारण मोहि सुनाओ मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी एक ही बार आस सब पूजी अब कछु कहब जीभ करि दूजी थोरे जोग कपारु अभागा भले उ कहत दुख रउरे हिलागा कहीं झूठी पूरी बात बनाई ते प्रिय तुमही करवी मैं माई हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती नाहि त मौन रहब दिनु राति करि कुरूप विधि पर बस कीना बवा सुनिय दहिय जो दीना कौन नृप हो हमहि कहानी चेरी छाड़ी अब कोप की रानी जारे जोग सुभाव हमारा अनबल देखी न जाय तुम्हारा ताते कछुक बात अनुसारी क्षमिय देवी बड़ी चूक हमारी गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी तीय अधर बुधि रानी सुर माया बस बैरिनी सुहृद जानी पतियानी
मंगल भवन अमंगल हारी, तुमा सहित जय जपत पुरारी। सादर पुनि पुनि पूछति ओहि, सबरी गान मृगी जन्मोहि। तसिमति प्रिय अहि जसि भावि, रहसि चेहि घात जन भावि। तुम पूछहु मैं कहत डेराउ, धरहु मोर घर भोरी नाम। सजी प्रतीति बहु विधि गढ़ि छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो पुरी बानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समम फिरे रिपु हो ही पिरीते। भानु कमल कुल पोषणि हारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। चरी तुम्हारी चह सवती उखारी, तू धहु करी उपाउ बरबारी। तुम्हें न सोच सुहाग बले, निज बस जान हो राउ। मन मलीन मुह मीठ नृपु, राउर सरल सुभाउ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी। चतुर गंभीर राम महतारी, बीजु पाए निज बात सवारी। पठे भरत भूप नन्हि औरे, राम मातु मत जानब रौरे। सेवहि सकल सवति मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। सालु तुम्हार कौसिलहि माई, कपट चतुर नहीं कोई जनाई। राज ही तुम पर प्रेम बिसेखी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहु टीका, सब ही सुहाय मोहि सुठिनी का। आगिली बात समुझ डरु मोहि, देव देव फिर सो फल ओहि। रचि पचि कोटिक कुटिल पन, कीन्हसि कपट प्रबोधो। कहि सी कथा सत सवति कहे, जेहि विधि बाढ़ विरोधो। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भावी बस प्रतीति उरि आई, पूछ रानी पुनि शपथ देवाई। ता पूछहु तुम अबहु न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। भय उपाखु दिन सजत समाजु, तुम पाई सुधि मोहि सन आजु। खाई पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। जौ असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दे ही हम ही सजाई। राम ही तिलक काल जौ भयो, तुम कहु विपति बीजु विधि भयो। रेख खचाई कहु बलु भाखी, भामिनी भयु दूध कई माखी। चौसुत सहित करहु सेवकाई, तो घर रहु न आन पाए। कद्रु बिन तहि दीन दुखु, तुम्हें कौसिला देव। भरत बंदी गृह से ही, लखन राम के ने। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। कह कह सुता सुनत कटुवानी, कही न सकई कछु सहमी सुखानी। तन पसेउ कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीव तब चापी। कही कही कोटिक कपट कहानी, धीरज धरहु प्रबोधि सिरानी। हिरा कवरम प्रिय कागि कुचाली, बकी सराहि मानि मराली। सुनु मंथरा बात पूरी तोरी, दहिनी आखि नित फर कई मोरी। दिन प्रति देखौं रात कु सपने, कहौं न कोहि मोह बसि अपने। काह करूं सखी सूध सुभाव, दाहिन बाह न जानम काऊ। अपने चलत न आज लगी, अनबल का हुक कीनी। कही अग एक ही बार मोही, दैय दुसह दुख दीनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथि अजिर बिहारी।
नहीं हर जन्म भरब भरु जाय चियत न कर बिसवति सेवकाय हरि बस देव जी आवत जाहि मरनु नीक तेहि जीवन चाहि दीन बचन कह बहु विधि रानि सुनि कुबरी तिय माया ठानि अस कस कहु मानि मन ऊना सुख सुहाग दिन दूना जही राउर अति अनभल ताका सुई पाई अनुकल परिपाका जब ते कुमत सुना मैं स्वामी भूख न बासर नींद न जामिन पूछे उगुनिन हरेख तिन ठाची भरत भुवाल हो यह साची भामिनी करहु त कहु पाऊ है तुम्हारी सेवा बस राव परम कूप तुव बचन परे सकम पूत पति त्यागी कहसी मोर दुख देखी बड़े कस न करब हित लागी मंगल भवन अमंगल हारी रवहु सुदस रथ अजिर बिहारी कुबरी करी कबुली कह के कपट छुरी उर पाहन टे लखन नरानी निकट दुख कैसे चरई हरित तिन बलि पशु जैसे सुनत बात मृदु अंत कठोरी जेति मनहु मधुमाहुर घोरी कहै चेरी सुधि अहै कि नाहि स्वामिनी कहे कथा मोहि पाहि तुई बरदान भूप सन खाति मागहु आज गुड़ावहु छाति सुतहि राज रामहि बनवासु देहु लेहु सब सवति हुलासु भूपति राम सपथ जब करै तब माँ के बुझे बचन न टरै होई अकाजु आजु निज पीते बचन मोर प्रिय मान जीते बड़ कुघात कर पात के नी कहसी कोप गृह जाहु काज समारे हु सजग सबु सहसा जनपति आहु मंगल भवन मंगल हारि रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी कुबरी हिरानी प्राण प्रिय जान बार बार बाड़ी बुझी बखानी तो ही समहित न मोर संसारा बहे जात कई भैसी अधारा जो विधि पुरब मनोरथ काल करम तो ही चख पूतरियाल बहु विधि चेरि ही आदर दे कोप भवन गवनी कह के विपति बीज बरसार तुचेरी हुई भई कुमति कह कई केरी पाई कपट जलु अंकुर जामा पर दो दल दुख फल परिणामा कोप समाज साजी सब सोई राजु करत निज कुमति बिगोई राउर नगर कोलाहल होई यह कुचाली कछु जान न कोई प्रमोदित पुर नर नारी सब सजही सुमंगल चार एक प्रभु सिंह एक निर्गम ही धीर भूप दरबार मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी बाल सखा सुनि हर शाही मिली दस पांच राम पहिचानी प्रभु आदर ही प्रेम पहिचानी पूछहि कुशल खेम मृदु बानी फिरहि भवन प्रिय आय सुपाई करत परस पर राम बढ़ाई को रघुबीर सरिस संसारा सीलु सने गुनि बाह निहा जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमहि तह तह ईसु देव यह हमहि सेवक हम स्वामी सिय नाहु ओ नाथ यह ओर निबाहु अस अभिलाषु नगर सब काहु कह के सुता हृदय अति दाहु को न कुसंगति पाई न साई रहै न नीच मते चतुराई साझ समय सानंद निपु कयउ के कई गे गवन निठुरता निकट किय जनु धरि देह सने मंगल भवन मंगल हारि द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी कोप भवन सुनि सकुचे उराऊ है बस अगुहड़ परै न पाऊ सुरपति बसई बाह बल जाके नरपति सकल रहई रुख ताके सो सुनि तियरिस गयउ सुखाई
देखो काम प्रताप बड़ाई, सूल कुल से असि अंगव निहार, ते रतिनाथ सुमन सर मार, सभे नरे सुप्रिया मन गयो, देखि दशा दुख दारुण भयो, भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारि तन भूषण नाना, कुमति ही कसी को बेखता भावि, अन अहि बात सोच जन भावि, जाय निकट नृपु कह मृदु बानी, नान प्रिया केहि हे तुरिसानी, केहि हे तुरानी रिसानी, पर सत पानी पति ही ने वारई, मानहु सरोस भुवंग भामिनी, विषम भाति निहारई, दो वासना रसना दसन भर मरम ठाहरु देखई, तुलसी नृपति भव तव्यता, बस काम कौतुक लेखई, बार बार कहराओ सुमुखि सुलोचनि पिक बचनी, कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज कोप कर, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, अनहित तोर प्रिया के कीना, केहि तुई सिर केहि जमु चहलीना, कहु केहि रंग कहि करौ नरेसु, कहु केहि नृपहि निकासौ देसु, सकौ तोर अरि अमरौ मारि, काह कीट बपुरे नर नारी, जानसि मोर सुभाव बरोरु, मनु तवे आनन चंद चकोरु, प्रिया प्राण सुत सर्वसु मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे, जो कछु कहउ कपट करि तोहि, भामिनी राम सपथ सत मोहि, बिहसि मागु मन भावति बाता, भूषण सजहि मनोहर गाता, हरि कु घरि समुझि जिय देखु, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेकु, यह सुनि मन गुनि सपथ बड़ी, बिहसी उठी मति मंद, भूषण सजति बिलोकि मृगु, मनहु की राति निपंद, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, उनि कह राउ सुहृद जिय जानी, प्रेम पुलकि मृदु मंजुल बानी, भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा, राम हि देव काली जुब राजु, सजहि सुलोचनि मंगल साजु, जलकि उठउ सुनि हृदउ कठोरु, जनु छुइ गयउ पाक बल तोरु, ऐसी उठीर बिहसि तेहि गोई, चोर नारी जिमि प्रगट न रोई, लखहि न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाए, यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अब गाहु, कपट सनेहु बढ़ाई बहोरी, बोली बिहसि नयन मृदु मोरी, मागु मागु पै कहु पिए, कबहु न देहु न लेहु, देन कहेहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु, मंगल भवन अमंगल हारि, उमा सहित जहि जपत पुरारि, जाने उमर मुराउ हसि कहै, तुम्हें कुहाब परम प्रिय अहै, थाति राखि न मागि हुकाउ, बिसरि गयउ मोहि भोर सुभाउ, झूठे हमहि दोष जनि देहु, के चारि मागि मकुलेहु, रघुकुल रीति सदा चली आय, प्राण जाहु बरु वचन न जाय, नहीं असत्य सम पातक कुंजा, गिरि सम होहि कि कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मन गाय, तहि पर राम सपथ करि आय, सुकृत सनेह अवधि रघुराय, बात दृढ़ाय कुमति हसि बोलि, कुमत को बिहग कुलह जनु खोलि, भूप मनोरथ सुभग बनु, सुख सुबिहंग समाजु, ढिल्ल निज मिछाड़न चहती, बचनु भयंकर बाजु, मंगल भवन अमंगल हारि, द्रवहु सुदस रथि अजिर बिहारी,
सुनहु नान प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तही टीका, मागौ दूसर बर कर जोरी, पुर बहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस बेश बिसेखी उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुनि मृदु बचन भूप हिय सो, शशिकर छुअत विकल झिमि को, गयउ सहम नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा, विवरण भयउ निपट नर पालु, दामिनी हनउ मनहु तरु तालु, माथे हाथ मूदि दौ लोचन, तनु धरि सोच लाग जनु सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, भरत कर निज मिहतेउ समूला, अवधौ जारि कीन्ह कहके, दीन्ह सी अचल विपति कहने, कबने अवसर का भयउ गयउ नारि विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्या नाश, मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार, एहि विधि राउ मनहि मन झाखा, देखि कुभाति कुमति मन माखा, भरत कि राउ रूपुत न होहि, आनहु मूल बेसाहि कि मोहि, जो सुनि सर्व अस लाग तुम्हार, काहे न बोलहु बचन संभार, देहु तरु अनुकरहु कि नाहि, सत्य संध तुम रघु कुल माहि, देन कहहु अब जनि बरु देहु, तजहु सत्य जगे अप जस लेहु, सत्य सराहि कहु बरु देना, जाने हु ले ही मागि छबेना, सिबिर धीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजेउ वचन पनु राखा, अति कटु वचन कहति कह के, मानहु लोन जरे पर दे, धर्म धुरंधर धीर धरी, नैन उघारे राए, सिर धुनि लीनी उसास असी, मारे सिमोहि कुठाए, मंगल भवन अमंगल हारि, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारि, आगे देखि जरत ऋषि भारि, मनहु रोष तरबारि उधारि, मूठि कु बुद्धि धार निठुराय, धरी कुबरी इंसान बनाय, लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन ले ही मोरा, बोले राव कठिन कर छाती, बानी सबिनय तासु सुहाती, प्रिया बचन कस कहसी कुभाति, भीर प्रतीत प्रीति करिहाति, मोरे भरत राम दुई आखि, सत्य कहूं कर संकर साखी, अवसि दूत मैं पठैब प्राता, एहि बेग सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधि सब साजु सजाय, देव भरत कहूं राज बजाय, लोभु न राम ही राज कर, बहुत भरत पर प्रीति, मैं बड़ छोट बिचार जिए, करत रहूं रिप नीति, मंगल भवन अमंगल हार, रवहु सुदशरथ अजिर बिहार, राम सपथ सत कहाँ सुभाव, राम मातु कछु कहेउ न काउ, मैं सब कीन्ह तो ही बिन पूछे, तहिते परेउ मनोरथ छूछे, ऋषि अपरिहरु अब मंगल साजु, कुछ दिन गए भरत जुबराजु, एक ही बात मोहि दुख लागा, पर दूसर असमंजस मागा, अजहु हृदय जरति तही आचा, ऋषि परिहास की साचे हु साचा, कहु तजि रोस राम अपराधु, सबको कहै राम सुठि साधु, तुहु सराहसि करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु, जासु सुभाउ अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मातु प्रतिकूला, प्रिया हास ऋषि परिहरहि, मागु विचारि विवेकु, जेहि देखौ अब नयन भरी, भरत राज अभिषेकु, मंगल भवन अमंगल हारि, रवहु सुदशरथ अजिर बिहारि, जिए मीन बरु बारी विहीना, मनि बिनु फनि कु जिए दुख दीना, कहौ सुभाउ न छलु मन माही,
जीवन मोर राम बिनु नाहि, समुझि देखु जिय प्रिया प्रवीना, जीवन राम दरसे आदीना, सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति कृति परई, कहई करहु किन कोटि उपाया, इहान लागि राहुरि माया, देहु किलेहु अजसु करि नाहि, मोहिन बहुत प्रपंच सोहाई, राम साधु तुम साधु सयान, राम मातु भलि सब पहचान, जस कौशिला भोर भल ताका, तस भलु उन्हें देव करि साका, होत प्रातु मुनि बेकु धरि, जौन राम बन जाहि, मोर मरनु राउर अस जसे, विप असमझिए मन माही, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, अस कहि कुटिल भई उठि ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगी निबाढ़ी, पाप पहार प्रकट भई सोई, हरि क्रोध जल जाय न जोई, दोबर कूल कठिन हठ धारा, भवर कुबरी बचन प्रचारा, ठाहत भूप रूप तरमूला, चली विपति बारिधि अनुकूला, लखी नरेश बात पूरी साची, तिय मिस मीचु शीस पर नाची, कही पद विनय कीन बैठारी, चली दिन कर कुल होशि कुठारी, पाग माथे अबहीं देउ तोहि, राम बिरह जनि मारसि मोहि, राखु राम कहूं जेहि तेहि भांति, नाहि तजरहि जनम भरि छाति, देखि व्याधि असाधन को, पर उधरनि धुनि माथि, कहत परम यारत बचने, राम राम रघुनाथ, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, व्याकुल राव शिथिल सब गाथा, करनि कलप तरु मनहु निपाता, कंठ सुख मुख आव न बानी, जनु पाठी नु दीन बिनु पानी, उनि कह कटु कठोर कहि के, मनहु घाय महु माहुर दे, चौत हुवस कर तबु रहेउ, मागु मागु तुम के बल कहेउ, दुई की होई एक समय भुवाला, हसब ठटाई फुलाउ बगाला, दानी कहाउ बियरु कृपनाई, होई की खेम कुसल रउताई, छाड़हु बचन की धीरज धरहु, जनि अबलाजिमि करुणा करहु, तनु तिय तनय धाम धनु धरनि, सत्य संध कहु तृण सम बरनि, परम बचन सुनि राउ कह, कहु कछु दोष न तोरे, लागे उ तोहि पिसाच जिमि, कालु कहावत मोरे, मंगल भवन अमंगल हारि, उमा सहित जहि जपत पुरारि, चाहत न भरत भूप तहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय थोरे, सो सब मोर पाप परिणाम, भय उठाहर जहि विधि बाम, सुबस बसी फिरि अवध सुहाय, सब गुण धाम राम प्रभु ताय, करिहि भाई सकल सेवकाय, तिहुपुर नाम बढ़ाई, तोर कलंक मोर पछिताओ, मरहु न मटिहि न जाहि काउ, अब तोहि नीक लाग करु सोई, लोचन ओट बैठु मुँहु गोई, जब लगी जियो कहो कर जोरी, तब लगी जनि कछु कहसि बहोरी, फिर पछितई हसी अंत अभागी, मारसी गाय नहारू लागी, पर उराव कही कोटि विधि, काहे करसि निदान, कपट सयानी न कहति कछु, जागति मनहु मसानु, मंगल भवन अमंगल हारि, रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम राम रट बिकल भुवालु, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालु, हृदय मनाहु
और जनी होई राम ही जाई कहे जनी कोई उदव करहु जनी रवि रघुकुल गुण अवध बिलोकी सूल होई ही भूप पीति कई कई कठिनाई उभय अवधि विधि रची बनाई बिलपत नृपहि भयउ बिनु सारा बिना बेनु शंख ध्वनि द्वारा पढ़ई भाट गुण गावहि गायक सुनत नृपहि जन लागहि सायक मंगल सकल सुहाइन कैसे सहगामिनी विभूषण जैसे तहि निसि नीद परी नहि काहु राम दर्श लाल सा उछाहु द्वार भीर सेवक सचिव ताहि उदित रवि देखी जागे जहुना अवधिपति कारण कवन बिसेखी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी पछिले पहर भूप नित जागा आजु हम ही बड़े अच्छे रजु लागा जाहु सुमंत्र जगावहु जाय कीजिए काजु रजाय सुपाय गए सुमंत्र तब राउर माही देखी भयावन जात डेरान भाई खाई जन जाई नहेरा मानहु विपति विषाद बसेरा पूछे को न उतर दे गए जहि भवन भूप के कही जय जीव बैठ सिरुनाई देखी भूप गत गय सुखाई सोच विकल विवरण महि परे मानहु कमल मूल परिहरे सचिव सभीत सकई नहीं पूछी बोली अशुभ भरी शुभ छूछी परी नराज ही नींद निसी हे तु जान जगदीशु राम राम रटी भोर किए कहे न मरम महेशु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी आनहु राम ही बेगी बुलाई समाचार तब पूछे हु जाई चले उस मंत्र गाय रुख जानी लखी कुचाली कीनी कछुरानी सोच बिगल मग परई न पाओ राम ही बोली कही काराओ पुर धरि धीरज गय दुआरे पूछ ही सकल देखी मनु मार समाधान करी सो सब ही का गयउ जहां दिन कर कुल टीका राम सुमंत्र ही आवत देखा आदर कीन पिता समलेखा इरखि बदन कही भूप रजाई रघुकुल दीप ही चले उले भाई राम कु भाति सचिव संग जाहि देखी लोग जह तह बिलखाही जाई दीख रघुवंश मनि नरपति निपट उसाजु सहम परउ लखि सिंघिनी मनहु वृद्ध गजराज मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जय पुरारी जय सिया राम। बहुत ही सुंदर आपके आशीर्वाद से पाठ यहाँ संपन्न होता है। बहुत सुंदर मालवी जी, मालवी गोयल जी, अब बहुत मधुर पाठ किया, बहुत मधुर किया ऐसा लगता, ऐसा लगता लगातार चलता रहे। आपके 2 बजे आप जो है आपके समर्पण को नमन, आप सबको नमन है, आप सबका आशीर्वाद। बहुत अच्छा अमिताभ सिंह जी, हमेशा बहुत मधुर पाठ करते हो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। मानवी जी किधर है? मानवी जी यहाँ हूँ मैं। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आप सभी को जय सिया राम। आपने बहुत ही अच्छा पाठ किया, पता नहीं मैं कैसी समीक्षा कर पाऊंगी, पर कोशिश जरूर करती हूँ। चूंकि सावन का टाइम है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि महादेव की स्तुति से शुरू ना किया जाए, और वैसे तो मंगलाचरण सब में ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट अयोध्या कांड के मंगलाचरण की 2 खास बातें हैं जो थोड़ा सा मैं इसी में ही समीक्षा करते करते बताऊंगी।
तो तुलसीदास जी शुरू में ही महादेव को उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं वो किस किस रूप में मिलते हैं, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स बताते बताते देखा जाए तो वो 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जिसके यस्यांक में हिमाचल की पुत्री पार्वती वास करती है यानी कि मल्लिका अर्जुन, जिसके मस्तक पर गंगा जी है यानी कि काशी विश्वनाथ, जिसके ललाट पर बाल चंद्रमा है यानी कि सोमनाथ जी, जिनके कंठ में हलाहल विष है यानी कि महाकाल, और जिसके वक्ष स्थल पर आज भी सर्पों के राजा वासुकी सुशोभित है यानी कि नागेश्वर, जिसके जो भस्म से विभूषित है यानी कि बैजनाथ, जिनकी देव जो देवताओं को वरदान देते हैं जैसे कि ओंकारेश्वर, जो सर्वेश्वर है सभी ईश्वर के मतलब महादेव है यानी कि केदारनाथ, जो भक्तों के पापों को दूर करते हैं यानी कि भीमा शंकर, जो सर्वव्यापक है हर जगह है यानी कि त्र्यंबकेश्वर, जो कल्याण करते हैं वो घुश्मेश्वर, और जिन जहाँ पे चंद्रमा के समान उनका शुभ्र वर्ण है यानी कि रामेश्वर, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मेरी रक्षा करें। फिर आगे वो राम जी की स्तुति करते हैं, बोलते हैं कि मैं उस रघुकुल की मुख की शोभा को वंदन करता हूँ जिसको जब उसने ये जिन्होंने जब ये सुना कि उनका राज्याभिषेक हो रहा है, ना तो उनको हर्ष हुआ और जब उनको ये पता चला कि उनको वनवास मिल रहा है तो ना ही उनको दुख हुआ। फिर वो आगे कहते हैं कि मैं उनके अंग को जो नील कमल के समान है और कोमल है, मैं उसकी स्तुति करता हूँ जिनके वाम भाग में सीता जी विराजती है, जिनके अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, मैं उस रघुवीर उस रघुवंश राम की को नमस्कार करता हूँ। फिर आगे वो गुरु की स्तुति करके कहते हैं, ये गुरु दोहा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही दोहा राम जो हनुमान चालीसा बनती है उसी का पहला दोहा है। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुमर बिमल जसु जो दायक फल चारी। तो वो कहते हैं मैं अपने गुरु की चरणों की कमल की जो रज होती है उससे मैं अपना मन को साफ करता हूँ, और वो जिस जो प्रभु के यश का वर्णन करता हूँ जिससे मेरे को चार फल देने वाला है, चार फल यानी कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष। फिर उसके बाद वहां से चौपाइयाँ शुरू होती है। तो जैसे पिछले उसमें हमने सुना कि रामचंद्र जी का विवाह हो गया, सब कुछ मंगल है अयोध्या में, तो उसी के साथ तुलसीदास जी कंटिन्यू करते हैं। वो कहते हैं कि इतनी खुशी है इस टाइम अयोध्या में कि जैसे 14 लोकों के जो पुण्य है और सुख है वो जल की तरह बरस रहा हो यहाँ पे, रिद्धि सिद्धि की कोई कमी नहीं है, नगर में जितने भी स्त्री पुरुष है सभी पवित्र अमूल्य और सुंदर है, नगर में इतना ऐश्वर्य बताया है तुलसीदास जी ने, कहा है कि जैसे कि मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी है यानी कि इससे सुंदर अब कुछ बन ही नहीं सकता। तो और सभी जो नगरवासी है वो रामचंद्र जी को बस को देख रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं और सुख रह रहे हैं, और जो माताएं हैं और जो सहेली सखा है वो भी बहुत आनंदित हो रही है सोच के कि जो कल्पना की थी जो हमने चाहा था। ये कहते ना जैसे बच्चा सेटल हो जाए तो वही चीज है, किसी से राम जी का विवाह हो गया तो वो भी बस आनंद मना रहे हैं, और उस सारी प्रजा जो है उनके गुण का खूब बखान कर रही है। तो ऐसे ही बस चुपचाप सबके मन में एक अभिलाषा है कि बस अब सब कुछ मिल तो गया ही है तो राम जी को एक युवराज पद भी क्यों ना भगवान की दया से वो भी चीज मिल जाए। तो ऐसे ही एक समय की बात है, तब राजा दशरथ जी अपनी राज्यसभा में बैठे हुए थे, तो सब वहां पे बातें कर रहे हैं, तो कोई राम जी के गुणगान कर रहा है, कोई दशरथ जी के बारे में बात कर रहा है, और ऐसे ही जैसे दशरथ जी बैठे हैं स्वभाववश होता ना राजा का, तो उन्होंने बस ऐसे दर्पण लिया हुआ और अपना मुकुट ठीक कर रहे हैं। तो कई लोगों को जिन जो जानते थे जो चाहते थे कि कहते ना राजा के सामने अच्छे भी बात करो और तो अच्छा होगा, तो उन्होंने कहा कि तीनों भुवनों में और तीनों कालों में दशरथ जी के समान कोई नहीं, तीनों भवन यानी कि पृथ्वी आकाश और पाताल, और तीन काल मतलब भूत वर्तमान और भविष्य, उनसे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है क्योंकि उनके पुत्रों के रूप में राम जी ने खुद जन्म लिया है। तो ये बात सुन के तो दशरथ जी बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही मतलब अंदर ही अंदर वो बड़े खुश हैं। फिर वो आगे बोलते हैं कि वो देखते हैं कि दशरथ जी के कान के पास के बाल जो है वो सफेद हो रहे हैं, और यानी कि ये अंदेशा है कि बुढ़ापा जल्दी आ रहा है। तो वो कहते हैं राजन एक काम करते हैं, रामचंद्र जी को अब युवराज पद दे देते हैं और इससे ज्यादा आपके जन्म में लाभ क्या ही होगा। तो वो सोचने लगे, वो कह रहे बात तो बिल्कुल सही है, तो एक काम करते किसी भी शुभ दिन और कुछ सुंदर समय देखते हैं और कर सकते हैं, ऐसे मन में सोच रहे हैं, पर क्योंकि राजा है
और उस टाइम के राजा है तो आदेश नहीं दिया उन्होंने, उनको पता सबसे पहले गुरु की आज्ञा लेनी जरूरी है। तो वशिष्ठ जी से पूछते हैं, कहते हैं कि हे मुनिराज, आपके यहाँ से तो मेरे को सब कुछ मिला है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि आपको ये भी पता है कि राम जो है वो हर एक चीज में योग्य है, चाहे सेवक हो, मंत्री हो, सारे नगरवासी हो, यानी शत्रु भी हो, हमारा मित्र हो, कोई विरक्त व्यक्ति क्यों ना हो, सब कोई राम को उसी तरीके से प्रेम करता है जैसे मैं करता हूँ। हर कोई राम को एक परिवार की तरह स्नेह करता है। तो आपके ही से तो मुझे सब कुछ मिला है, सारा ऐश्वर्य आपसे ही है। तो मेरी एक इच्छा है, अगर आप कहें तो मैं आपके सामने रखूं। तो वशिष्ठ जी को पता तो था ही, पर वो फिर भी बोले कि बिल्कुल बताइए, आप बताइए क्या क्या करना है। तो वो बोलते हैं कि, तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि राम को युवराज बना दिया जाए। तो वो, तब वशिष्ठ जी खुश होते हैं, वो कहते हैं कि बिल्कुल, राम में तो कोई कमी ही नहीं है, हर चीज से तो वो गुण हो या हर चीजों में वो परिपूर्ण है। तो जब उन्होंने समझ गए दशरथ जी की ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है, तो उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, आप सबको बोला कि ठीक है, अब हम बना देंगे इनको। फिर उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, तो मंत्रियों ने को बोलते हुए यहाँ पे भी उन्होंने आदेश नहीं दिया, वहां पे भी उन्होंने कहा कि अगर आपकी इच्छा है तो हम आप राम को युवराज बना दीजिए। तो जब जब सभी मंत्रीगणों ने और सेवकों ने ये चीज सुनी तो सब हर्षित हो गए। उन्होंने कहा महाराज, इसमें तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल कार्य ऐसा है। और वैसे भी यहाँ पे मुनिवर कह रहे हैं कि राम के आप राज्याभिषेक के लिए शुभ दिन और मंगल शुभ मंगल क्या है, तो जिस दिन उनका राज्याभिषेक हो जाएगा वो दिन भी शुभ हो जाएगा और वो मंगल भी सुंदर हो जाएगा। फिर जब ये बात हो गई तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, जैसे जैसे मुनिवर कहते हैं, जो जो काम कहते हैं, वैसे वैसे तुम राम के राज्याभिषेक के लिए करते जाओ। तो उन्होंने कहा कि जितनी भी पवित्र स्थान की नदियां हैं सबके जल लेकर आओ, और जितनी भी उन्होंने सामग्रियां होती है पूजा की, सब कुछ उन्होंने गिनवाते गए, उनको बताते गए, और ऐसे ऐसे उन्होंने तैयारी के लिए कहे। फिर उन्होंने कहा कि अब पताका, ध्वजा, जितना भी सम्मान है, जितने भी हाथी है, जितने भी पशु है, सबको रत्नों से जड़ित कर दो। मतलब मैं चाहता हूं कि अयोध्या याद रखे इस दिन को। तो ये कह के मुनिवर बोलते हैं कि और मैं एक और चीज बताता हूं कि तुम एक काम करो, आम का और सुपारी जो होती है, आम और सुपारी के जो वृक्ष है वो भी पूरे उसमें शहर में लगवा दो, और जगह जगहों पे मंडप सजा दो। तो ये कह के वो बात खत्म कर देते हैं। अच्छा, सब इधर काम में लग गए राम जी के उसमें, और इस तरीके से फ्रीक्वेंसी से काम कर रहे हैं कि जैसे कितनी बार ये काम कर चुके हैं। तब दशरथ जी बोलते हैं, अच्छा यहाँ पे भी दशरथ जी खुद नहीं जाते, वो वशिष्ठ जी से ही कहते हैं कि एक काम कीजिए, आप ही जाके राम को बता दीजिए इसके बारे में, जो भी आपकी आज्ञा राम को बताइए। तो जब राम जी को पता चलता है कि अरे माँ क्या मुनिवर आ रहे हैं, तो वहीं खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु आप क्यों आए, आप मुझे आज्ञा देते ना, मैं आता आपके पास में। लेकिन फिर वो बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि आप यहाँ पे, क्योंकि आपके आने से मेरा जो घर है, जो मेरा जो महल है जहां मैं रह रहा हूँ, वो पवित्र हो गया है। तो गुरुवर आप जो बोलेंगे वो मेरे लिए आज्ञा है, बताइए क्या। तो मुनिवर बोलते हैं कि राजा दशरथ ऐसा चाहते हैं कि तुम युवराज बन जाओ। तो यहाँ तो जब पहले वो सीता जी से बात कर रहे होते हैं, तब वो जब ये सब चीजें देखते हैं कि सब कुछ कितना शुभ हो रहा है, उनके जो कहते हैं ना मंगल अंग होते हैं वो फड़फड़ा रहे हैं, वर्ड यूज करूंगी मैं इसमें, जिसमें वो कहते हैं ना कि कुछ, जैसे कहते हैं ना आंख फड़फड़ाती है, तो कहते हैं अरे कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है, डिपेंड करता है कौन से आई पे। तो ऐसे ही उनके साथ हो रहा है। तो सीता जी से बात करते हैं, कहते हैं कि बहुत कुछ मंगल दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भरत आने वाला होगा। ठीक है, मुझे भरत की वो रही, और बहुत दिन हो गए, मैं रोज ऐसे सोचता हूँ कि भरत आएगा, मैं उससे मिलूँ, मेरी बड़ी इच्छा रहती है। तो ये तो जितने भी अच्छे शुभ संकेत मिल रहे हैं, ये मेरे भरत के आने के हैं, और इसका कोई और अर्थ नहीं है। तब अब जब मुनिवर ने कहा कि तुम्हारी कह के चले गए मुनिवर, तो तब सीता जी को राम जी कहते हैं कि ये इतना निर्मल वंश है मेरा, सूर्यवंश, लेकिन सिर्फ इसमें एक ही कमी है। वो कमी ये है कि हम चारों भाई, हम हर समय, हमारा एक टाइम पे जन्म हुआ, एक टाइम पे यज्ञोपवीति हुई, कंछेदन एक टाइम पे हुआ, एक साथ हम खेले कूदे सोए,
हमने सब कुछ, सब कार्य, हमारा विवाह भी सब कुछ एक साथ हुआ, तो जब हम सब सुख दुख सब एक साथ निभाते हैं, तो फिर यहाँ पे जब राज्याभिषेक की बात आती है तो सिर्फ एक को राज्याभिषेक दिया जाता है। तो मतलब यहाँ पे कितनी उनकी मैं इक्वालिटी वाली सोच कहूँ, या मैं कहूँ कि कितने दयालु हैं उन्होंने, एक बार भी ये, जैसे नॉर्मल किसी भी मनुष्य के मन में आ जाता ना कि अरे वाह मेरे को कुछ मिल रहा है, कुछ भी प्लान करता है, वो आगे की प्लानिंग करता है, उनके मन में कुछ नहीं है, उनको बस ये है कि जब मैंने हर चीज अपने चारों भाइयों के साथ करी तो काश मुझे ये मौका भी चारों भाइयों को एक साथ ही मिलता। खैर, जब नगर में बधावे बनने लगे, खुद खुशियां हो रखी है, तो इधर मंथरा, इधर अच्छा इधर तो यहाँ पे सब कुछ बहुत खुश हो रखा, पूरी अयोध्या खुश हो रखी है। जब रनिवास में पता चला, यानी कि जब उनको रानियों को पता चला कि अरे राम का अभिषेक हो रहा है, तो कौशल्या और सुमित्रा जी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। तो जैसे रंगोली बनती है तो वो रंगों से बनती है, तो सुमित्रा जी तो रत्नों से वो रंगोली बनाने लगी, और जो कौशल्या माता है वो तो सभी को दान पुण्य कर दे, उन्होंने कहा कोई भी यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए दान दान से, सबकी पूजा करवाओ। तो इधर मंगल गान बिल्कुल प्रारंभ हो गए, तो उधर जो देवता गण थे वो सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अगर राम जी को सिंहासन मिल गया तो जितने भी कार्य थे, और कार्य सिर्फ रावण का वध नहीं था, कार्य ये भी था कि जिन जिन का उद्धार करते जाना है, जो धन की स्थापना है, वो सिर्फ राजपाट करके वो बड़ी मुश्किल थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी, तो सरस्वती जी के पास चले गए। तो सरस्वती जी को बोले कि आप ही को कुछ करना पड़ेगा। तो सरस्वती जी पहले तो बड़ी सकुचाई, उन्होंने कहा तुम मुझसे जो काम करवा रहे हो वो तो ऐसे कहते हैं ना, जैसे अमावस्या लग जाती है किसी अच्छे दिन के लिए, तो वो हो जाएगा। तो उनको समझाते हैं, कहते हैं नहीं 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 माँ, आपके ऊपर कोई लांछन नहीं आएगा, ये तो राम तो ऐसे है, ना हो तो उनको कोई हर्ष है ना कोई दुख है, ठीक है, उनके नाम की महिमा तो आप जानते ही हैं, तो फिर इसमें आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो उनको पता तो था ही कि सब हो क्या रहा है, पर फिर भी सरस्वती जी आई, और मंथरा को उन्होंने, जैसे कहते ना कि अब एक वो बना दिया साधक की, अब इसके ही से ही अब सारी जो बुद्धि जो पलटेगी वो इसी की पलटेगी, और यही आगे जो काम करेगी। तो इधर जब मंथरा ने देखा कि पूरा नगर सजा हुआ है, सब कुछ बधावे बज रहे हैं, तो पूछा कि उत्सव किस बात का है। तो जैसे उसे पता चला कि राम जी का राजतिलक हो रहा है, वो उसका मन तो जल गया, वो कहने लगी कि बस मन में प्रार्थना करती है कि कुछ भी हो जाए ये काम किसी तरीके से टल जाए। तो उदास होकर केकई के पास जाके ये बोलती है, तो केकई पूछती है तू उदास क्यों है, तो मंत्रा पहले तो कुछ कुछ उत्तर नहीं देती है, बस ऐसे लंबी लंबी सांसें ले जा रही है और ऐसे आंसू रोए जा रही है। तो वो हंस के बोली कि क्या हुआ, तेरी तो आदत है बढ़ा चढ़ाकर बोलने की, तूने कुछ कह दिया क्या, और लक्ष्मण ने तेरे को कोई सबक सिखा दिया। तो कुछ भी, तब भी कुछ नहीं बोलती है, तब भी बस लंबी लंबी सांसें ले रही है। तब रानी जो कह गई थी उनको डर लगा, उनको लगा कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया, पूछती है मेरे चारों पुत्र बिल्कुल सही तो है। तो जब मंथरा ने ये सी सुनी तो बोलती है कि माई मतलब मेरे को तो क्या ही कोई सीख देगा, और मैं क्या ही बड़ बोला अपन करूंगी, जब क्योंकि नगर में तो सिर्फ राम के अलावा कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये राम का युवराज पद जो दिया जा रहा है, और आज तो जो कौशल्या ने चाहा था वही पूरा हो गया, उसी के हृदय में गर्व समा रहा है, और मैं तो बहुत ही दुखी हूँ आज, ठीक है। तुम आप देखो कि तुम्हारा पुत्र तो परदेश में है, तुमने कभी तुम सोचते नहीं हो, तुम्हें तो लगता है कि तुमने अपने पति को अपने वश में कर रखा है, तो तुम बस यहाँ पे निद्रा का स्वाद चखती रहो, और वहां पे तुम राजा जो कपट भर चतुराई जो कर रहे हैं वो तुमको नहीं कुछ दिखती है। तो मंत्रा के वचन सुन के, यहाँ पे तुलसीदास जी वहां पे लिखते हैं सुनी प्रिय वचन, तो प्रिय वचन सुनकर, प्रिय वचन इसीलिए क्योंकि उन्होंने खुशखबरी दी कि राम को युवराजपन मिल रहा है। तो उन्होंने फिर भी डांट कर बोला कि पहले तो उसको बोला कि तू घर फोड़ी है, फिर डांट कर बोलते हैं कि अगर तूने ऐसा कुछ भी कहा तो मैं तेरी जीवा निकलवा दूंगी। तो बोलती है कि ठीक है, फिर भी लेकिन उसके बाद उसको समझाती है कि ये तो मैंने तुझे सीख देने के लिए कहा है, लेकिन अब तूने मुझे इतना अच्छा न्यूज, जैसे ना अच्छी न्यूज दी है, तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई, ये इतना मंगल दिन है कि मेरे राम को राज्य मिल रहा है, तो मैं तो चाहती हूँ कि जो तेरा कथन है वो बिल्कुल सत्य हो। तो कहती है वैसे भी बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यही परंपरा है, और सूर्यवंश भी यही हमारी रीति चली आती है। तो अगर सचमुच में राम का तिलक कल है तो मैं तो जो तू मुझसे मांगेगी मैं तुझे दे दूंगी, तो मैं इतनी खुश हूं।
तो फिर आगे भी बताती है, कहती है राम को तो जैसे कौशल्या प्यारी वैसे सारी माता प्यारी, और मुझसे तो वो विशेषतर प्रेम करता है, और मैंने उसकी परीक्षाएं भी ली है, तो तू मेरे को तो राम के प्रेम पे कोई शक नहीं है। तो और वो कहती है कि कहते हैं विधाता अगर किसी को जन्म देना तो उसको पुत्र और पुत्र वधु राम और सीता की तरह ही दे। तो इस इन सब इस सब जो तूने मुझे बातें बताई है, इसमें दुख किस तरीके का? तो तुझे भरत की सौगंध है, तू ये सब चल कपट छोड़ दे और मुझे बता कि प्रॉब्लम की कारण क्या है। तो मंत्रा बोलती है कि अब मैं आपने मुझे वैसे ही इतना सब कुछ बोल दिया, मैं कुछ कहूंगी तो आप मुझे फिर घर फोड़ी के नाम से बुलाएंगी, लेकिन मैं फिर भी मैं झूठी सच्ची कोई बात नहीं बोलती, मैं तो जो सीधी सीधी है वही बता रही हूँ आपको। तो उस फिर कहती विधाता ने आपको मेरे को जो दिया मैं तो वही बांट रही हूँ। कह रही मैं कोई भी राजा हूँ, मुझे उससे मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मेरी तो कोई हानि नहीं हो रही है। कोई कह रही कौन सी मैं दासी बनकर अब रानी बन जाऊंगी, कह रही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा तो स्वभाव ऐसा है कि मेरे को जो दिखता है मैं वही बताती हूँ। अब बाकी किसको उसमें बुरी लगती है तो मैं मतलब ये मेरा अभागापन है। फिर बार बार लेकिन तब भी वो कुछ बोली नहीं। तब अब इधर ही कहते ना, जैसे कहते ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, के कई को लगा कि नहीं मतलब कहते ना मुंह बस कहते हैं वहां जागना होता है किसी के लिए किसी टाइम पे, बस वो ही जाग गया। तो बार बार रानी होके भी वो अपनी दासी से पूछ रही है कि नहीं नहीं मुझे बताओ कुछ तो बात हुई है, क्या हुआ है? तो कहती है अच्छा ठीक है तुम मुझसे पूछती हो तो मैं तुमको बताती हूँ, लेकिन मैं कह के डरती हूँ कि कहीं तुम मेरे को फिर से कुछ ना कुछ अपशब्द ना बोल दो। तो बोलती है कि सीताराम तुमसे प्रेम करते हैं ये बिल्कुल सही है, ठीक है, और तुम राम को प्रिय हो ये भी बिल्कुल सच बात है, परंतु बात सिर्फ केवल यही नहीं है, बात है अब इसके आगे जो होगा उसकी। ये तो वैसे भी समय के साथ साथ मित्र भी शत्रु बन जाता है। तो कहती है कि तुम अपने सुहाग की झूठी बातों में झूठी जो सोच है उसमें आ जाती हो, तुम जानती नहीं हो, तुम्हें लगता है कि तुम ही बस जो राजा दशरथ को कहोगी वही होगा, लेकिन राजा के मन में बहुत मैल है। खूब भला बुरा बोल रही है उस टाइम दशरथ जी के लिए, ठीक है, और वो सिर्फ मीठे मीठे मुंह पे बनते हैं जबकि ये सब कुछ ऑपोजिट हो रहा है। हाँ तो वो कहती है फिर अब दशरथ जी के बाद आती है वो कौशल्या जी के पर। तो कहती है कि जब उन्होंने देख लिया कि केकई सिर्फ राम की बात पे नहीं मानेगी, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा जो कहते ना औरत में एक वो आता है कि कुछ भी सहेलेगी, पर जो कहते ना सौतन वाला जो एक गुण होता है वो चीज नहीं सही जाती। तो उन्होंने कहा कि कौशल्या तो बहुत ही चतुर है और इतनी गंभीर गंभीर इस संदर्भ में कि वो इतनी गहराई है उसकी बात में क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम जानती नहीं हो वो कैसी है, तो मौका पाकर देखो उसने कैसे अपनी बात बनवा ली। उधर राजा अपनी राजा को कहकर भरत को ननिहाल भेज दिया और यहाँ पे क्या कहते हैं राम को युवराज बनने के लिए सलाह दे दी। तो क्योंकि क्यों क्योंकि कौशल्या ऐसा समझती है कि भाई बाकी तो जितनी भी रानियां हैं वो तो सब मेरी सेवा करती है, लेकिन जो भरत की माँ है यानी कि वो अपने पति पे गर्व करते हुए पति के बल पे गर्व करते हुए इन द सेंस, क्योंकि उनको पता है कि जो राजा दशरथ है वो सबसे अधिक प्रेम जो है वो केकई से करते हैं, उस बल पे वो मेरे लिए कुछ नहीं करती, मेरी कोई सेवा नहीं करती। तो बस उन्होंने ये चतुराई दिखाई और राम को राज्य के लिए राजा दशरथ से कह दिया। उसने बोला कि राजा का तो तुम पर विशेष प्रेम है, लेकिन कौशल्या को ये बात सही नहीं जाती है। उसने फिर आगे अच्छा फिर यहाँ पे भी इसी समझाती, कहती है अच्छा राम को तिलक हो ये तो सही है, रघुबीर के लिए भी बहुत अच्छा होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन मुझे ये डर लग रहा है कि आगे भरत के साथ क्या होगा उसको तो तुम सोचो, और भरत छोड़ो तुम कौशल्या आगे तुम्हारे साथ क्या करेगी वो तुम देखो। तो ऐसे कहकर वो जितनी भी करोड़ों जितनी भी कहानियां हो सकती है ना जहाँ पे सौतन विवाद से जो आगे घर में विरोध बढ़े हैं उसे सारी कहानी सुनानी शुरू करती है। अब वैसे तो केकई इतनी होनहार है, पर कहते ना उस टाइम तो जो मंत्रा बोलती जा रही थी केकई को वही सब कुछ सही लगता जा रहा था। तो वो पूछने लगी फिर भी कि नहीं नहीं तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, कौशल्या ने कुछ कहा, कुछ हुआ क्या, क्या हुआ है मुझे बताओ। तो बोलती है कि हे रानी तुम तो अब दूध में मक्खी की तरह हो जाओगी, कौशल्या तुम्हारे साथ ऐसे करेगी क्योंकि उसका पुत्र बन जाएगा राजा और लक्ष्मण तो उसके पुत्र के साथ रहेगा, और तुम्हारा बेटे का क्या होगा, वो कारागार में जाएगा, वो कहेगा वैसे ही होगा तुम्हारे साथ जैसे कद्रू ने विंता के साथ किया था।
तो केकई जब सारी बातें सुनती है मंथरा की, वो डर गई, क्योंकि अब उनको ये डर नहीं था कि राम उनके साथ कैसे वो करेंगे, बट उनको ये डर था कि अब कौशल्या उनके साथ क्या करेगी। तो बस ये सोचते सोचते वो तो बिल्कुल कितना कांपना शुरू हो गई, उनके शरीर से एकदम पसीने छूट गए। वो कह रही है कि अब कैसे होगा, क्या होगा, मुझे नहीं पता, बिल्कुल सब कुछ कही है। फिर के उसको मंथरा को बोलती है, बोलती है देख तेरी बात सत्य है, और मेरी पता है दाहिनी आँख फड़फड़ा रही थी, और मैं मुझे रोज रात को बुरे बुरे सपने आ रहे थे, पर मैं तो इतनी अज्ञानी हूँ, मैंने तो कभी तुझसे कुछ कहा नहीं है, पर मैं तुझे बता रही हूँ, मुझे ये सब, मैं तो बहुत सीधी स्वभाव की हूँ, मुझे ये सब दाया बाया समझ में नहीं आता, तो तू ही मुझे बता मुझे क्या करना चाहिए। फिर आगे ये भी बोलती है कि अरे मैं नहर जाके रह लूंगी, लेकिन मैं किसी सौतन की चाकारी नहीं करूंगी, जैसे नौकर चाकर की तरह से कभी ऐसी सेवा नहीं करूंगी। तो ये सुनते ही वो खुश तो हो ही रही थी अंदर अंदर, तो कहती है कि मैंने ज्योतिष से पूछा, उन्होंने भी मुझे सारी रेखाओं देख के बोला कि राजा जो होगा वो भरत ही बनेगा। तो मैं तुमको, अच्छा यहाँ पे भी उन्होंने एक लॉजिक भी बता दी कि देखो भविष्यवाणी भी यही कह रही है कि राजा बनेगा, तो उसमें हम गलत नहीं कर रहे हैं। कहते ना गिल्ट को फ्री करने के लिए आदमी ऐसे कह देता कि नहीं, अपने आप को कहने लगता कि नहीं मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ, तो ऐसे ही मंत्र समझाने लगती है कैकेयी को। तो अब कैकेयी इतनी मंत्र मुग्ध हो, जैसे कहते ना मुग्ध हो गई है, वो मंत्रा की बात पे कहती है कि मैं तो तुम्हारे कहने से कुएं में भी गिर सकती हूँ, मैं अपने पुत्र को अपने पति को भी छोड़ सकती हूँ, तो तू लेकिन मेरा कभी बुरा नहीं कर सकती, जो जो मेरे लिए बोल रही है मंत्रा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। तो वो आगे वो समझ रही है मंत्रा को, तो पता ही है वो क्या कर रही है। तो वो और उसको कहते ना मक्खी जैसे शहद में लपेट के बात करती है, वैसे लपेट लपेट के मंत्रा भी खूब उनको बोल रही। तो कह रही है अच्छा मैं आपको तरीका समझाती हूँ कि कैसे होगा, आपको वो कथा याद नहीं है जहाँ पे महाराज ने आपको 2 वरदान दिए थे, तो बस आप उनसे पहले लेकिन राम की सौगंध खिलवाना, मतलब उनको उसको डाउट था कि इवन दो यहाँ प्रभु कुल की रीति है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, लेकिन फिर भी तुम पहले राम की सौगंध खिलवाना और फिर ही तुम अपने वचन मांगना। तो बस ये बात सुन के तो कैकेयी कहती है कि बस आज से तू ही, मतलब तुमने मेरा इतना भला किया है, आज से तो तुम मेरी आंखें हो, मतलब यानी कि मैं जो संसार को देखूंगी वो तुम्हारी दृष्टि से अब देखा करूंगी। मानवी, कैन यू कंक्लूड दिस? थैंक हाँ श्योर यू, सर, श्योर सर। थैंक यू. तो बस उसके बाद अब आगे जब दशरथ जी जाते हैं, दशरथ जी को पता चलता है कि जो कैकेयी है वो कोपभवन में, अच्छा उन्होंने बोला था तुम कोपभवन में चले जाना, तो जब पता चला कि कोपभवन में चली गई है तो वो एकदम पहले डर जाते हैं कि कैसा हो गया। तो कहते ना जैसे कि ये कामदेव जी की महिमा है कि जोश जो इतना बड़ा बलशाली है लेकिन फिर भी वो काम के वश में आके या प्रीति के वश में आके डर रहा है अपनी पत्नी से। तो जब वहां पे गए तो उन्होंने देखा वो किस तरीके से उन्होंने सारे अपने आभूषण हटा रखे हैं, मोटे कपड़े पहन के, पुराने कपड़े पहन के जमीन पे लेटी हुई है। तो पूछने लगे कि तुम क्यों, क्या हुआ के गई, तो वो हंसने लगी, कहती है कि कुछ नहीं बोली, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे मांगो, तुम बताओ, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, और मैं तुम राम की सौगंध खा के बोलता हूँ, तुम जैसे जिसको राजा बोलना, रंक बनाना, रंक को राजा बनाना, मैं सब कुछ कर दूंगा। तब कैकेयी बोलती है आप सिर्फ बोलते हो, आप कुछ करते नहीं हो। तब राजा ने बोला नहीं नहीं ये काम मत करो, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे वैसे करूंगा। तब कैकेयी बोलती है ठीक है, आपने याद है आपने मुझे 2 वचन के लिए बोला था, तो मैं आपसे 2 वचन मांगती हूँ, पहला वचन कि आप भरत का राज्याभिषेक कर दीजिए, और दूसरा वचन आप राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दीजिए, जिसमें उसको कि कोई परिवार से और राज्य से कोई मोह नहीं होना चाहिए। तो वो जब सुने तो वो बिल्कुल उनका मतलब दुख ही हो गए, तो वो कह रहे कि मैं एक पहला तो चलो कर दूंगा, ठीक है कर दूंगा, मैं भरत को राज्याभिषेक कर दूंगा, लेकिन तुम राम को क्यों वनवास भेज रही हो। उसने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, एक काम होगा दूसरा नहीं होगा, राम यहाँ रहेगा तो उसकी इच्छाएं जागेगी उसके लिए। तो तब वो कैकेयी कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे तो ये दोनों चाहिए, और नहीं कर सकते हो तो आप मना कर दीजिए, मैं मान लूंगी कि आपका अपयश हो रखा है। तो बहुत समझाते हैं, वो नहीं समझती। उसके बाद वो बोलते हैं कि बस अब तुम मेरी नजरों के आगे से चली जाओ, क्योंकि तुमने जो मुझे मांगा है वो अब देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, लेकिन अब मेरे को बहुत ही दुख हो रहा है इस बात को सुन के। और ठीक है, वो चाह रहे हैं कि सुबह ना हो, उधर सुबह हो गई है, शंख बज रहा है राम जी के, कि पता है कि अब राज्याभिषेक हो जाएगा। तो सुमंत्र जी बोलते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया कि सूर्य उदय हो गया और दशरथ जी नहीं आए। तो ढूंढते ढूंढते जाते हैं, तब उनको वहां पे वचन के बारे में पता चलता है, तब राम जी को लेकर आते हैं क्योंकि दशरथ जी ने कहा है। तो जब राम जी आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से उनके पिता जो है वो इतने व्याकुल होकर बैठे हैं। तो ये सर आज का तो यहीं समाप्त होता है, बाकी कल
इसके आगे की कहानी सुनेंगे। ठीक है, जय सियाराम। जय सियाराम सर। अच्छा रहा, बहुत बढ़िया, ये अच्छा रहा आपका, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सुंदर है। अभी तो अब प्रश्न उत्तर का समय नहीं है, तो अभी तो खत्म ही करना पड़ेगा लगता है। कल भी मानवी जी का होगा, अभी समीक्षा करेंगी है, और कामेश्वरी जी को जानते हैं आप लोग, वो पाठ करेंगी, तो कल फिर देखेंगे क्या हो रहा है। ओम जी, आप ओम जी बोलेंगे कुछ? सर मैं एक चीज बोलूं, बस एक सेकंड, एक मिनट के लिए। हाँ हाँ बोलो बोलो मानी सर। मैं एक तो ना सबसे पहले अपने भाई को वहाँ पे थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि आज हमारे घर में पूरा हरिद्वार में पानी भर रखा है, घर में बिल्कुल लाइट नहीं है, सुबह से इन्वर्टर खत्म है, तो मैंने उसको अपने पास काम छोड़ के आया, वो बैठा हुआ मेरे पास कि इनकेस अगर लाइट चली गई तो स्पॉट लाइट दे देगा अपने मोबाइल की, तो मेरे पास अभी भी बैठा हुआ है कि पूरे टाइम लाइट पंखा बंद करके, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर हिम। भाई हो तो ऐसा, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद मानवी। तो आज के पाठ के लिए भाई श्री अमिताभ सिंह और मानवी को संचालन के लिए, संचालन के समीक्षा के लिए धन्यवाद। आपको सबको पता नहीं होगा कि अमिताभ सिंह इस समय मेलबर्न में, और मेलबर्न में इस समय सुबह के 2:45 हुए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो उनकी कितनी था। जब उनको मैंने कहा था तो मुझे पता लगा, मैंने नहीं, आपका समय तो बड़ा ऑड है, नहीं मुझे इतना अवसर मिल रहा है, मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। सो इस तरह की आस्था और भाव होना चाहिए। जो आपने इतना अच्छा गाते हैं वो तो प्रभु की उनकी कृपा है, पर इस तरह का एक भाव होना चाहिए कि रात के 2 भी मुझे अवसर मिल रहा है रामायण पढ़ने का, तो मैं इसको कैसे छोड़ सकता हूँ। सो उनको बहुत विशेष धन्यवाद, और भगवान शतायु प्रदान करें, स्वस्थ रहें, और बस इसी तरह से आप धर्म का प्रचार करते रहें। देखिए अभी भी सुन रहे हैं, मैं समझावना पाठ करके सो जाएंगे, मैं तो सो जाता हूँ, मैं तो फिर नहीं बैठता, कहाँ आप ये समझ सुनेगा, सुनूंगा मैं। दैट्स जस्ट अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम, आपको बहुत बहुत प्रसन्न रखें। तो कल तो आपको पता ही बता दिया मलिक जी ने, कल डॉक्टर कामेश्वरी जी पाठ करेंगी, मांगलिक जी के, मांगलिक जी उन्होंने एक्सचेंज किया है, और मानवी थोड़ा बेटा समय का ध्यान रखें, वी वांट टू गिव नो मोर देन 20 मिनट्स, 15 मिनट्स इज आइडियल, राइट, एंड वी कंटिन्यू लाइक दैट। कम है आज, एक दो मैं अनाउंसमेंट्स आपको करता हूं, पढ़ता तो है ये, बेटा पैरेंट के लिए गूगल फॉर्म बन के लिए आज अंतिम दिवस, एंड देन वी विल क्लोज इट, उसके बाद में वी कांट रियली एडमिट एनीबॉडी, रामायण एग्जाम का कल अंतिम दिवस है, एंड देन वी विल क्लोज इट, वी कांट वेट फॉर एनीबॉडी। और सब संचालकों से मेरा विशेष निवेदन है कि आपके संचालन के दौरान जो भी पाठक समीक्षक हैं उनको जरा संपर्क, उनसे संपर्क करें, क्योंकि वो सिर्फ अपने पाठन के दिन ही नहीं आए और अपने समीक्षा के दिन ही नहीं आए, बाकी दिन भी जरा यहाँ दर्शन में, अगर वो इतने व्यस्त हैं कि सिर्फ अपने पाठन के दिन ही आना चाहते हैं, समीक्षा देना चाहते हैं, तो उनका नाम मुझे बताएं ताकि उनसे उनको मुक्त कर दें, क्या क्योंकि व्यस्त लोग अपना काम करें वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हाँ बेकार में यहाँ पर अपना समय बर्बाद करें। सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑल दोज पीपल जिनको, जो आपके संचालन के अंदर हैं, और वो सिर्फ उसी दिन आएंगे या एक आध दिन और आ जाएंगे सुनने के लिए, तो वी विल रिमूव दैम सो दैट दे कैन यूज़ देयर टाइम जो भी वो कर रहे हैं, क्योंकि इसमें स्पिरिट ये है कि वी ऑल गेट टुगेदर जितना भी संभव हो, पर स्पिरिट ये नहीं है कि मेरा वो बस फला अगस्त को पाठ करना है, पाठ कर दूंगा और बस हो गया काम मेरा, सो दैट इज़ नॉट स्पिरिट। ये मैंने पहले भी अनाउंस किया था, गूगल फॉर्म में भी लिखा है स्पष्टीकरण से, एंड आई थिंक आई एम सॉरी, आई एम रियली डिस्करेज बाय द लैक ऑफ अटेंडेंस, नेक्स्ट ईयर वी प्रॉब्ली विल नॉट कंटिन्यू दिस, अगर ये हाल रहा तो, क्योंकि दिस होल पर्पज इज डिफीटेड। समय भी रात से 9 से 10:30 का है, पीपल आर आई थिंक फ्री, ऐसा नहीं है सब कुछ बहुत व्यस्त हो, so we are monitoring the attendance, we have the attendance, full attendance record of everybody, and that is just to see kitna interest hai, agar interest nahi hai to why we are doing it, to sanchalon ki ye bhi zimmedari banti hai ki jo aapke sanchalan ke kam se kam 4-5-6 logon ko ka dhyan rakhe, agar unko ab main samajhta hu nahi aa sakte madhye mein se busy, that's fine, fir unko ek din bhi aane ki zarurat nahi hai, mera ye kehne ka matlab ye hai। तो चलिए बस मैं सॉरी मैं क्षमा जाता हूँ इस तरह के स्पष्टता के लिए, मेरा
बहुत पॉपुलर हूँ नहीं वैसे, पॉपुलर अपने सुमरंग होने की बहुत इच्छा भी नहीं है। चुनाव में मैं डेफिनेटली हार जाऊंगा, इसलिए मैं चुनाव भी नहीं लड़ रहा हूँ, तो जैसा हूँ वैसे ही ठीक हूँ। जय श्री राम। मलिक जी आप समापन करें। जय श्री राम। मलिक जी जरा अनम्यूट करके समापन करें शांति जी के साथ। चलिए मलिक जी को समय लग रहा है। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तंसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां व्रतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्री राम।